हर कैंप में 3 दिन का कैंप होता है, लगभग हम लोग 800 बच्चों देखते हैं, 800 से 1000 बच्चों देखते हैं। पर क्रिटिकल का मतलब है जिसको ऑपरेशन चाहिए हम बॉम्बे लेके जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ये टाइम हम लोग ने हृदय के डॉक्टर को भी बुलाए, तो अभी से आगे जाके हृदय का जो भी बच्चों को हृदय की ऑपरेशन है वो भी मदद कर सकते हैं। हड्डी की ऑपरेशन लगेगा तो हड्डी के डॉक्टर को लाएं, आँख के डॉक्टर भी आँख है तो आईज का प्रॉब्लम है तो आँख की भी इलाज हो सकती है, और ब्रेन की जो भी अलग प्रॉब्लम है हम लोग बच्चे को वापस लेके जा सकते हैं और वहाँ ऑपरेशन करके वो वापस आते हैं। तो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा गिरता है। पूरा 800 में से लगभग 30-40 बच्चे कम से कम हर कैंप के बाद ऑपरेशन या इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। जेनेटिक आनुवंशिक की बीमारी, तो मैंने देखा है कि यहाँ बहुत परिवार रिश्ते में शादी करते हैं, ओके, और उन लोग सोचते हैं कि सालों से चल रहा है तो क्या फ़र्क है, क्या क्यों प्रॉब्लम होती है। पर जब हम रिश्ते में शादी करते हैं अनुवंशिक बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है। लगभग 25% चांस है कि आपके बच्चे में कुछ अनुवंशिक बीमारी हो सकता है। उसका मतलब नहीं कि सब आएंगे, तो वो बोलते कि देखो 2-3 ठीक हुआ कि ऐसे बोले कि अनुवंशिक है, पर सबको नहीं होता है। 25% चांस, 4 में से 1 बच्चे को चांस है कि उनको एक अनुवंशिक बीमारी निकले। अभी आप जानते हो एक बार अनुवंशिक बीमारी है, अनुवंशिक बीमारी के लिए इलाज नहीं होती है, हम अपने बदन के जीन्स को बदली नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सीधा कर सकती हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक का टेस्ट करते हैं, उनको सैंपल मुंबई लेके जाते हैं, टेस्ट करके फिर हम उनको समझाते हैं कि कौन सी बीमारी है, आगे जाके रास्ता क्या होने वाला है, और हम देखें कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मम्मी पहले से सब तपास और बंदोबस्त करें कि उसके नेक्स्ट बच्चे में ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। सो कम से कम हम लोग ये अनुवंशिक बीमारी का रास्ता तोड़ सके तो आगे की पीढ़ी को ये बीमारी नहीं होए और आगे के बच्चों को ये तकलीफ नहीं गिरे। कहाँ रहते आप नांदेड़ में? करबला में। करबला में क्या शिकायत थी बच्ची की? बच्ची को सिर की झटके आ रहे थे। कब से? ये उन्हें पैदा भी 1.5 साल से था, तो यहाँ 2 खत लेके आए, कम होगा उसका बच्ची का तो हाउर, आप ये लॉकडाउन लगा तो नहीं आए थे, अब हाउर लेके आए, अब आए तो मालूम हुआ ये लोग कोई तो बोले हम आपको। हाँ, प्राइवेट में बताए थे उसको, मगर प्राइवेट में नहीं बताए दादा, प्राइवेट में हमने सरकारी में शरीक करे थे 2 खत, झटके आए तो सरकारी में शरीक करे थे। हाँ, सरकारी में शरीक करके फिर यहाँ मालूम हुआ तो यहाँ लेके आए। हाँ, प्राइवेट में एक डॉक्टर ने बताया तो वो डॉक्टर साहब ने बोले बच्ची को दिमाग नहीं है, बोले बच्ची कमज़ोर ऐसी रहेंगी बोल के बोले थे, बोले जिंदगी। हाँ, जिंदगी भर तक वैसी रहेंगी बच्चे। यहाँ के डॉक्टर अब अच्छी हो गई तो बच्ची हमारी? हाँ, हमारी बच्ची अच्छी हो गई, हमारे को दिख रहा ना, हमारी बच्ची अच्छी हो गई, चढ़ रही, बाता कर रही, हम क्या करने का। जी, कब से आ रहे हैं आप? हम यहाँ 2017 से आ रहे हैं, यहाँ पे आके बच्ची को बताया, चेकअप वो कराया, यहाँ के मेडिसिन वो दिए डॉक्टर साहब ने, वो खिलाने से ज़रा बच्ची के माइंड में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है और वो ज़रा शांत रहने लगी है, ना तो पहले बहुत चंचल थी वो, अब वो यहाँ के मेडिसिन वो खिलाने करने से ज़रा उनको फ़र्क पड़ा है। कब से आ रहे हैं? हम 2017 से आ रहे हैं यहाँ पे, तकते हैं हर इसके समझो सहूलत है यहाँ पे, हर चीज़ के मेडिसिन मिलते हैं, कैल्शियम के टानिक वगैरह, हर चीज़ की दवाई दी जाती है, MRI होता है यहाँ पे। ताप ये थी जेवन करीत नहीं मस्तक है और सूज थी ताप आली, आम्ही सकाळी पोहोचलो, आमची नंबरच लागला नाही आमचा, नंबर लागला नाही बरोबर, याच्या पूर्वी आले होते का? नाही नाही, पूर्वी नाही, पहिलीचे। हां, पहिली वेळ प्रायव्हेटमध्ये दाखविले याच्या? हो, प्रायव्हेट सगळे दवाखाने झाले नांदेड।